समय के साथ में चोरी करने के तरीके भी बदल गए हैं। अब एक नए तरीके का फ्रॉड सामने आया है जिसके अंदर आपको आईपीपीबी के अकाउंट की केवाईसी करवाने का कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से ये फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है और इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस में जीडीएस या पोस्टमैन है या कर्मचारी है तो आपको भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी से कई लोगों का पैसा बच सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। इसमें किसी अनजान व्यक्ति द्वारा आपका आईपीपीबी का ऑनलाइन डिजिटल खाता खोल दिया जाता है, फिर आपको फोन करके बताया जाता है कि आपको पोस्ट ऑफिस जाकर या अपने पोस्टमैन से मिलकर अपने खाते की केवाईसी करवानी है। इस खाते में मोबाइल नंबर भी अनजान व्यक्ति द्वारा खुद का लिंक कर दिया जाता है। केवाईसी करवाने के लिए आपको किसी प्रकार से डरा धमका कर राजी कर लिया जाता है। आपको बताया जाता है कि आपके नरेगा के पैसे रुक जाएंगे या आपका आधार कार्ड बंद हो जाएगा या आपका कार्ड बंद हो जाएगा, और इस प्रकार से आप लोग डरकर पोस्ट ऑफिस जाकर केवाईसी करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। और आपको ये भी बताया जाता है कि केवाईसी करवाने का कोई चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाता है, और इसी कारण आप सोचते हैं कि यह फोन पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही किया गया होगा और आप पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं। पोस्ट ऑफिस जाने पर पोस्ट ऑफिस के स्टाफ या पोस्टमैन द्वारा आपका केवाईसी करवा दिया जाता है। केवाईसी के लिए आपका अंगूठा लगाया जाता है और आपका अकाउंट जो होता है वह अब रेगुलर अकाउंट हो जाता है, उसमें सभी प्रकार के लेन देन चालू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में आपके खाते में जो लिंक मोबाइल नंबर होता है उसके बारे में कोई जांच नहीं की जाती है, या फोन पर जो अनजान व्यक्ति होता है वो आपको ओटीपी बता देते हैं और आप ओटीपी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को बता देते हैं। हालांकि डाक विभाग ने भी इस प्रकार के आदेश जारी किए हैं कि पोस्टमैन को यह भी देखना है कि वह मोबाइल जो खाते में लिंक है वह कस्टमर के पास में होना भी चाहिए। ऐसे फ्रॉड अधिकांश में उन लोगों के लिए होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनको कम नॉलेज होता है। तो अब आपको क्या नुकसान हो सकता है? अब चूंकि आपके नाम का खाता खुला हुआ है और आपके आधार कार्ड से वह खाता लिंक है, तो उसमें डीबीटी को लिंक कर दिया जाता है, जिससे आपका जो भी पैसा सरकार के द्वारा आता है, जिसमें नरेगा हो सकता है, स्कॉलरशिप हो सकती है, किसान निधि का पैसा हो सकता है, तो ये सारे पैसे आपके आधार से लिंक डीबीटी अकाउंट में आने शुरू हो जाते हैं। और चूंकि इस खाते का संपूर्ण विवरण फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के पास में होता है, तो वह अनजान व्यक्ति अपने मोबाइल में आसानी से ऐप को डाउनलोड कर लेता है, ऐप को एक्टिवेट कर लेता है, और जब भी पैसा आता है तो आपका पैसा वह दूसरे किसी खाते में ट्रांसफर कर लेता है, और इस खाते से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास में नहीं होती है। अब एक तरीके का फ्रॉड तो यह हो गया। दूसरा, इस खाते का प्रयोग करके वह फ्रॉड करने वाला व्यक्ति किसी अन्य प्रकार के फ्रॉड किसी अन्य व्यक्ति के साथ में करता है और वह फ्रॉड का पैसा इस खाते में मंगा लेता है। अब जो कि खाता आपके नाम से होता है, तो जब भी पुलिस कार्रवाई होती है तो आपकी नाम और आपका एड्रेस पहले निकला जाता है और जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वह यहाँ पर बच जाता है। इसके अलावा भी दो तरीके के फ्रॉड और होते हैं जिनका आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी किसी को ओटीपी फोन पर नहीं बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि दूसरे लोग भी सावधान रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।